वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है शिक्षण योजना 3। ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भ का प्रारंभिक गणित शिक्षण कक्षा 1 से लिया गया है। देखते हैं किस तरीके से आपको शिक्षण योजना बनानी है। तो शिक्षण योजना में सबसे पहले आता है शिक्षण उद्देश्य। तो आज का टॉपिक है छोटा बड़ा की समझ बनाना। लर्निंग आउटकम की बात की जाए यानी कि अधिगम प्रतिफल, तो इसमें है बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। पाठ्यपुस्तक का नाम है भाग पाठ 2। संसाधन की बात की जाए तो चित्र कार्ड और चार्ट। शिक्षण विधा मूर्त से अमूर्त की ओर। आवश्यक पूर्व ज्ञान की बात करें तो अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना, नए शब्द छोटा बड़ा। सामान्य भूल की बात करें तो बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के छोटा बड़ा का उपयोग करते हैं, यानी कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा, तो बिना अर्थ के ही वो जो है अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं गतिविधि 1 में क्या क्या शिक्षक जो है बच्चों को बताएंगे। तो इसके लिए गतिविधि 1 में छोटा बड़ा की समझ के लिए शिक्षक व बच्चों का संवाद होगा, यानी कि 1-to-1 कन्वर्सेशन। शिक्षक बच्चों को चित्र कार्ड दिखाएगा जिस पर 5 बच्चे गेंद से खेल रहे होंगे। 5 गेंद का आकार अलग अलग होगा, एक फुटबॉल के साथ, दूसरा वॉलीबॉल के साथ, तीसरा टेबल टेनिस बॉल के साथ, चौथा टेनिस बॉल के साथ और 5 बास्केटबॉल के साथ खेल रहा होगा। अब शिक्षक बच्चों से पूछेगा कि किसकी बाल सबसे बड़ी है और किसकी बाल सबसे छोटी है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ बच्चों के साथ संवाद करने की अपार संभावनाएं हैं, जैसे बास्केटबॉल का आकार इतना बड़ा क्यों है और टेनिस बॉल का आकार इतना छोटा क्यों है। अब बात करते हैं बच्चों का कार्य की। तो बच्चे जो है छोटी बड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने अपने जवाब देंगे, अपने तर्क के साथ भी, क्योंकि बास्केटबॉल बड़ी और टेनिस बॉल छोटी होती है। अगर ऐसा ना हो या उलट हो जाए तो क्या होगा, बच्चे अपनी कल्पना से जवाब देंगे। अब गतिविधि 2 में जो है शिक्षक जो है चार्ट पेपर की सहायता से बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो गतिविधि 2 में छोटा बड़ा की समझ के लिए कार्य पुस्तिका से अभ्यास, इसमें समय लगेगा 15 मिनट। शिक्षक कक्षा कार्य पुस्तिका में दिए गए कार्य का बच्चों को अभ्यास कराएगा। शिक्षक उदाहरण से कार्य को बोर्ड पर समझाएगा कि कहाँ रंग करना है और कहाँ सही का निशान लगाना है। तो ये जो है इस तरीके से जो पाठ्य पुस्तक में दिया रहेगा वो उसमें कलर भी भरना है और उसको सही का चिन्ह भी लगाना है, बड़ा छोटा में, और इसमें कलर करना है। बच्चे दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य पुस्तिका में दिए गए कार्य को पूरा करेंगे। छोटी वस्तु के घेरे को लाल व बड़े के लिए पीला रंग करेंगे। छोटी वस्तु पर सही का निशान लगाएंगे। अब आकलन के लिए समय इसमें चाहिए 5 मिनट का। आकलन विधि, जवाब देते समय अनुमान लगा पाना को प्रश्न पूछना में बच्चों की भागीदारी। नेक्स्ट है आकलन कक्षा में मौखिक कार्य से भी आप आकलन कर सकते हैं, कक्षा कार्य पुस्तिका कार्य से भी आकलन कर सकते हैं। आकलन बिंदु कौन कौन से होंगे, बच्चे अपने जवाब के पीछे का कारण बताने का प्रयास कर रहे हों कि छोटा बड़ा होने से क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आकलन बिंदु है बातचीत के दौरान बच्चे रुचि दिखा रहे हैं, वह सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं या नहीं, इसका अवलोकन करें, शिक्षक जो है इसका अवलोकन करेंगे। अब बात करते हैं गृह कार्य की। तो गृह कार्य में समय 5 मिनट लगेगा। बच्चे गतिविधि 1 यानी जो हमने एक्टिविटी 1 कराई थी उसमें हुई चर्चा को अपने घर में अभिभावकों के साथ साझा करेंगे और उनका जवाब और कारण पता लगा कर लाएंगे। तो ये जो है शिक्षण योजना जो है हमारी कंप्लीट हुई। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।